पर शहर से कुछ ही दूरी पर ग्राम बाड़ केसरपुर तहसील में वन विभाग की टीम जंगलात की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने पहुंची, जिसमें कलेक्टर ने विभाग को आदेश जारी करते हुए ग्रेवल रोड पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, क्योंकि खसरा नंबर 36 बाड़ केसरपुर महकमा जंगलात विभाग के नाम दर्ज है। उल्लेखनीय है कि विपक्ष में रहते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने सिलीसेड और नटनी के बारे पर लगातार धरने दिए थे, जिससे नहर के बीच का अतिक्रमण हटकर जयसमंद में पानी भर जाए, लेकिन संजय शर्मा अब शहर से खुद ही वन एवं पर्यावरण मंत्री है, फिर उसके बाद कलेक्टर के आदेशों की भी पालना नहीं हो रही है। वन विभाग की टीम जब अतिक्रमण हटाने गई तो अतिक्रमणकर्ताओं ने खरी खोटी सुनाकर अधिकारियों को ही बेरंग जाने पर मजबूर कर दिया। DFO अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि उद्यान विभाग का एक बाग है, हालांकि वह जमीन फॉरेस्ट के नाम है। करीब 10 दिन पहले शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम गठित कर संबंधित रेंजर्स को पाबंद कर दिया गया था। इसके बाद नाला खुलवा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहां पर अधिकारी के साथ कहा सुनी करने के बाद पुलिस की जानकारी दे दी गई। DFO का कहना है कि जानकारी मिली है कि दोबारा वहां पर पटाव कर दिया गया है। देखिए, कटी घाटी पे सॉरी जो बाढ़ का बाग है केसरपुर की तरफ, वो उद्यान विभाग का एक बाग है वहां पर, हालांकि वो जमीन फॉरेस्ट के नाम पे अमल दरामद है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी गत करीब 10 दिन पहले कि वहां पर कोई नाला था जिसको बंद कर दिया गया है। इसमें मैंने एक टीम गठित करके और वहां पे भेजा था, रेंजर को पाबंद किया था, उन्होंने कल वो नाला खुलवाया। हालांकि वहां पर कुछ नोटोरियस एलिमेंट्स ने कुछ इश्यू क्रिएट किए थे, उसको पुलिस को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कर दिया गया है। अगर वो जानकारी में आ रहा है कि वो दोबारा पटाव अगर उसका किया गया है, तो हम टीम गठित करके और उसको दोबारा करेंगे, और इस बार अगर किसी ने कोई लॉ एंड ऑर्डर की इशू क्रिएट किए तो हम उसको प्रॉपर मुकदमा। महत्वपूर्ण बात है कि उस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है, अवैध प्लॉटिंग करता राजनीतिक संरक्षण के चलते आपके अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते हैं, वो लोग भाग आते हैं वहां से, क्योंकि फोर्स के जाने के बाद भी आपकी टीम बैरंग लौट रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, क्या है वो मामला पूरा? नहीं देखिए, प्लॉटिंग अवैध है या वैध है ये तो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये था कि वो जो नाला है वो फॉरेस्ट लैंड में से है, तो फॉरेस्ट लैंड क्लियर रहनी चाहिए, उस पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। आपकी टीम के जाने के बाद तुरंत पटाव कर दिया गया? हाँ, ये जानकारी मुझे लगी है, तो उसके लिए मैं दोबारा से टीम इकट्ठा करके और पुलिस की सहायता से, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू क्रिएट हुआ था पिछली बार जैसा आप बता रहे हैं, तो पुलिस की टीम इकट्ठा करके SP साहब के माध्यम से वहां पे कार्रवाई ज्वाइंट करें। बैड एलिमेंट्स के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यू अगर क्रिएट होगा तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। फॉरेस्ट में हम किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे।